एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। आज हम आपको यहाँ पे एवरेज निकालना बताएंगे। एक्सेल में हम एवरेज कैसे निकालते हैं, ड्यूरी रेंज में मिनिमम व मैक्सिमम वैल्यू भी कैसे ढूंढते हैं, ये आज हम बताएँगे। आइए हम देखते हैं सबसे पहले एवरेज हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमने तीन टेबल्स बना रखी हैं, एक एवरेज के लिए, इधर मिनिमम वैल्यू सर्च करने के लिए, इधर मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए। आइए हम देखते हैं एवरेज कैसे एक्सेल में निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने इक्वल टू लगाया, यहाँ पे लिखा ए बी ई आर ए सी ई, ब्रैकेट स्टार्ट, दे ही रेंज को हमने सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को किया क्लोज, और ये हमारा फार्मूला लग चुका, हमने एंटर किया। अब इन संख्याओं का एवरेज हमारा 58.75 आ गया। इसी प्रकार हम मिनिमम देखते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे देखते हैं, कैसे देखी जाती है, बहुत ही सरल फार्मूला है। आइए हम देखते हैं, इक्वल टू लगाया, यहाँ पे लिखा है MIN, ब्रैकेट स्टार्ट, दे ही रेंज को हमने सेलेक्ट किया और इंटर किया, तो हमने देखा कि दी ही रेंज में सबसे छोटी वैल्यू इसने फाइंड कर दी 121 जो कि है। इसी प्रकार इधर देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कैसे सर्च करते हैं, हमने इक्वल टू लगाया, यहाँ पे देखा है MX, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे पूरी रेंज को हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को किया हमने क्लोज और इंटर किया, दी ही रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू इसने फाइंड कर दी 879। इसी प्रकार आपने देखा कितने सरल फार्मूले रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।